सो हे गाइज़, वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। होप यू गाइज आर ऑल डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज फिर से मैं आया हूँ एक नई वीडियो के साथ, एंड आज जो है एक बहुत ही तगड़ा कंपैरिजन रहने वाला है आपकी ओल्ड टियागो एंड द न्यू जेन टियागो के बीच में। तो आज आपको एक अच्छे से जो है डिटेल में पता चलने वाला है कि जो ओल्ड टियागो थी और जो न्यू टियागो है उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, मेजर चेंजेस, एंड ऐसा क्यों किया गया वो तो अब कंपनी जाने, बट स्टिल हम आज देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस किए गए थे एंड क्या वो बेनिफिशियल रहे या नहीं। तो ये अभी आप चेक कर रहे हैं, ये है हमारी 2019 की टियागो एग्जेड प्लस वेरिएंट, एंड उसी के साथ है हमारा 2020 का एग्जेड प्लस वेरिएंट। सो दोनों ही सेम मॉडल रहेंगे एंड दोनों के बीच में जो कंपैरिजन करना काफ़ी इजी रह जाएगा, एंड एक अच्छा नॉलेज आपको पता चल जाएगी कि पुरानी वाली टियागो ज़्यादा बेटर थी या न्यू वाली। तो चलिए जल्दी से चेकआउट करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें इस वीडियो को, एंड बाकी अपना सपोर्ट दिखाते रहें। सो फर्स्टली कमिंग टू द ओल्ड जेन टियागो, तो इसमें आपको सबसे पहले तो फ्रंट डिज़ाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको इस टाइप का देखने को मिलता था, एंड जो न्यू टियागो है उसमें काफ़ी चेंज कर दिया गया है। अगर वहीं पे हम बात करें, हेडलैम्प्स में आपको पहले प्रोजेक्टर प्रोवाइड किया जाता था एग्जेड प्लस मॉडल में, बट जो न्यू वाली है उसमें आपको प्रोजेक्टर नहीं प्रोवाइड किया जाता है, नॉर्मल हेलोजन सेटअप ही प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर वहीं पे हम इसके फॉग लैम्प्स की भी बात करें तो फॉग लैम्प्स भी पहले ज़्यादा बोल्ड एंड क्रोम एलिमेंट के साथ आती थी, अब जो है थोड़ी सी क्वाड्रेंगल शेप में आपको देखने को मिल जाती हैं, बट थोड़े न्यू ट्रेंडी डिज़ाइन के साथ। सो बम्पर में काफ़ी कुछ चेंज किया गया, फ्रंट प्रोफाइल काफ़ी चेंज कर दी गई थी टियागो की। तो हुड में भी अगर हम बात करें तो ये हुड स्प्रेयर्स जो आते थे, तो ये चीज़ भी आपकी न्यू टियागो में चेंज की हुई आपको देखने को मिल जाएगी। तो फ्रंट प्रोफाइल को काफ़ी चेंज किया गया था, एंड जो न्यू वाली टियागो है उसमें काफ़ी ट्रेंडी डिज़ाइन जो है आपको देखने को मिल जाता है। सो गाइज़, अगर वहीं पे हम बात कर लें इसकी साइड प्रोफाइल के बारे में, तो ओल्ड जेन टियागो की साइड प्रोफाइल आपको कुछ यूँ देखने को मिलेगी। साइड में आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स ही मिलते थे एग्जेड प्लस में भी, एंड अब की वाली जो मॉडल है उसमें भी आपको जो है डायमंड कट अलॉय व्हील्स ही मिलेंगे, बट थोड़ा सा डिज़ाइन जो है वो चेंज कर दिया गया है न्यू वाली टियागो में, तो आप जैसे चेकआउट कर सकते हैं। टायर प्रोफाइल साइज सेम ही रहेगा, 15 इंचेस आपको पहले मिलता था और अब भी 15 इंचेस ही प्रोवाइड किया जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको सेम ही देखने को मिल जाती है। एंड अगर वहीं पे हम बात करें साइड डिज़ाइन एलिमेंट की, तो साइड डिज़ाइन एलिमेंट को थोड़ा सा चेंज किया गया है, तो आप जैसे ये चेकआउट कर सकते हैं ओल्ड जेन मॉडल, एंड जो न्यू जेन मॉडल है वो कुछ इस डिज़ाइन एलिमेंट के साथ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो शार्प कर्व्स एंड लाइंस का ज़्यादा यूज़ किया गया है इसमें, और अगर हम बात कर लें तो एंटीनास में भी चेंज किया गया, एंटीनास की लुक में भी, तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। पहले काफ़ी लॉन्ग एंटीना आपको मिलता था, अब जो है एंटीना है वो काफ़ी शॉर्ट कर दिया गया है, तो ये आप चेक कर सकते हैं। एक और डिफरेंस जो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा न्यू एंड ओल्ड जेन टियागो में। देन ओआरवीएम्स की बात करें तो इसमें आपको ब्लैक पियानो फिनिश के ओआरवीएम्स मिल जाते हैं, तो पुरानी वाली में आपको बॉडी कलर्ड ओआरवीएम्स ही प्रोवाइड किए जाते थे। बाकी विंडो के वाइज कोई इसमें खास डिफरेंस नहीं आया, आपको सेम ही जो पहले अब व्यू के साथ विंडोज़ मिलती थी उतने ही व्यू के साथ अभी भी मिलती हैं। तो अब वहीं पर हम चल लेते हैं इसकी बैक प्रोफाइल की ओर। तो बैक प्रोफाइल में जो है अगेन एक मेजर चेंज है जैसा आपका फ्रंट प्रोफाइल में था। तो ओल्ड जेन टियागो की अगर आप बैक प्रोफाइल चेक करेंगे तो कुछ आपको यूँ देखने को मिल जाएगी। बैक बम्पर काफ़ी मतलब कि एक बैक से थोड़ी बोल्ड लुक सी मिलती थी, एंड रियर में आपको 4 पार्किंग सेंसर्स प्रोवाइड किए जाते थे विद कैमरा। तो कैमरा की प्लेसमेंट जो पहले है वो यहाँ पे की जाती थी, एंड जो एक स्किड प्लेट आपको जो है बॉटम में देखने को मिल जाती थी बम्पर पे। तो अगर वहीं पर हम न्यू जेन टियागो की बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का बैक देखने को मिलेगा। रियर वाइपर डिफॉगर अगेन आपको मिलेगा प्रॉपर, वही वाले स्पाइलर्स जैसे आपको पुराने वाले में देखने को मिलते थे टियागो में, वैसे ही मिल जाएंगे। हाई स्टॉप लैंप भी वहीं पे आपको प्रोवाइड की जाती है। देन टियागो की जो बैजिंग है वो यहाँ पे चेंज कर दी गई है। देन आपको जो है रिवर्स पार्किंग कैमरा वो आपको यहाँ पे बूट में ही ट्रंक डोर में ही देखने को मिल जाएगा। देन नीचे की और स्किड प्लेट्स जो है वो हटा के एक न्यू स्टाइल का यहाँ बम्पर पेश किया गया है, तो ये आप चेकआउट कर ही सकते हैं। तो पहले जो गाड़ी की बैक टू ग्राउंड क्लियरेंस थी वो थोड़ी सी कम थी, तो उसे अब जो न्यू जेन टियागो में है इंक्रीज़ कर दिया गया थोड़ा, अब चेकआउट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है, तो रिवर्स करने में काफ़ी बढ़िया रहता है ये चीज़। तो ये था एक्सटीरियर ओवरव्यू कि एक्सटीरियर में क्या क्या डिफरेंसेस आपको देखने को मिल गए थे।
तो अब वहीं पे अगर हम इंटीरियर्स की बात करें तो इंटीरियर में भी बहुत ही चेंजेस आए हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो डोर्स का जो ये आप चेक कर रहे हैं विंडो जहाँ पे कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, तो वो वहाँ की चीज़ें आप काफ़ी जो है शेप वाइज चेंज कर दी गई हैं। तो पहले नॉर्मल स्लांटिंग में आता था और डोर हैंडल एक एक्सटर्नल प्रोवाइड किया जाता था आपको कुछ इस टाइप का, अगर आप चेकआउट करें सो कुछ इस टाइप का आपको पहले डोर हैंडल प्रोवाइड किया जाता था, तो अब इसे चेंज करके जो अभी मैंने आपको दिखाया उस वे में कर दिया गया है। एंड जो न्यू जेन टियागो उसमें लॉक्स आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे लॉक डोर लॉक करने के लिए, ओल्ड जेन टियागो में आपको यहीं पे जो क्लासिक स्टाइल वाले प्रोवाइड किए जाते थे। अगर वहीं पे हम स्टेयरिंग्स की बात करें तो फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग आपको अब प्रोवाइड किया जा रहा है, पहले आपको राउंड स्टेयरिंग ही प्रोवाइड किया जाता था टियागो में, एंड स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। देन जो मेन इसमें चेंज आया है कि आपको फुल इंस्ट्रूमेंटल पैनल जो है वो डिजिटल वाला देखने को मिल जाता है। सो एज यू कैन चेक जो ओल्ड जेन टियागो है उसमें आपको डिजिटल वाला इंस्ट्रूमेंटल पैनल नहीं मिलता था, बल्कि आपको यहाँ पे अलग अलग जो है एक डेडिकेटेड मिल जाते थे इंस्ट्रूमेंटल पैनल फॉर स्पीडोमीटर एंड आरपीएम मीटर। सो ये आप चेक कर सकते हैं, सेंटर में छोटी सी एमआईडी। तो ये है कंप्लीट सेटअप, तो इसमें भी कुछ मेजर चेंज किया गया है। एंड वहीं पे अगर हम एक और डिफरेंस की बात कर लें तो इसमें आपको जो है यहाँ पे गियर नॉब का भी डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, गियर नॉब को अब काफ़ी ज़्यादा हैंडी बना दिया गया है, तो एज़ यू कैन चेक। बाकी सिस्टम में भी थोड़ा बहुत चेंज आया है एंड उसी के साथ यहाँ पे एसी आपको वही ओल्ड स्टाइल देखने को मिल जाएंगे, तो ऑटोमेटिक कंट्रोल एसी यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाता है। बाकी रियर आर्मरेस्ट जो है आपको अभी भी यहाँ प्रोवाइड नहीं की गई है, सेंटर सीट आर्मरेस्ट, तो ये चीज़ एक लैकिंग है इसमें। एंड अगर वहीं पे हम जो है ओल्ड जेन टियागो की बात करें तो अगेन सेम आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी देन टच स्क्रीन भी प्रोवाइड की जाती है, तो टच स्क्रीन थोड़ी सी जो है डिफरेंट वो क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर के साथ थी, बट स्टिल 7 inches की अगेन आपको प्रोवाइड की जाती थी। देन गियर नॉब कुछ ऐसी सी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी ओल्ड जेन टियागो में, एंड रियर सीट आर्मरेस्ट एज आई सेड की मिसिंग, तो वो अभी भी आपको 2020 में नहीं प्रोवाइड की जाएगी। तो बाकी इंटीरियर वाइज और कुछ ज़्यादा चेंजेस आपको नहीं मिलेंगे टियागो में। हेडरेस्ट की बात करें फ्रंट सीट्स में तो वो एडजस्टेबल अभी भी मिलते हैं एंड पहले भी मिलते ही थे, तो टॉप से भी सेंटर आपको लाइट प्रोवाइड की जाती है, तो न्यू वाली में भी आपको सेम ही आपको चीज़ें मिल जाती हैं। तो बाकी और अगर हम बात करें इंजन वाइज लेंथ वाइज कोई भी ज़्यादा इसमें चेंज नहीं किया गया है। तो ये है एक गाड़ी का इंटीरियर एंड एक्सटीरियर कंपेरो। सो गाइज अगर फाइनली हम बात कर लें गाड़ी के कंपैरिजन्स के बारे में, तो ओल्ड जेन टियागो से जो न्यू जेन टियागो में कुछ ऐसी चेंजेस की गई हैं जो कि शायद लगता है कि नहीं भी होती तो तब भी कोई बेनिफिट रहता नहीं उसका, तो स्टिल बट न्यू जो जेन टियागो है उसको और ज़्यादा ट्रेंडी लुक देने के लिए वो चेंजेस ज़रूरी भी थी एंड मार्केट में कम्पीट करने के लिए और भी ज़रूरी थी। तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा जो है एक चेंज किया गया है न्यू जेन टियागो में ओल्ड जेन टियागो से, एंड बहुत ही अच्छी है। बाकी आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका क्या कहना है इसके बारे में, तो आपके लिए क्वेरीज ओपन है, कमेंट ज़रूर करके बताएं। एंड जो न्यू जेन टियागो है ये आपको जो है ऑन रोड 7 lakh अराउंड 20,000 के करीब जो मिल जाती है एग्जेड प्लस मॉडल। तो ये सब था एक डिटेल कंपैरिजन एट फेयर डील मोटर्स जम्मू रिगार्डिंग ओल्ड 2019 टियागो एग्जेड प्लस एंड 2020 टियागो एग्जेड प्लस। तो उम्मीद है अगर आप ऐसे और कंपैरिजन्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे को कमेंट डाउन करके ज़रूर बताएं एंड वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। एंड वन मोर थिंग, अगर आप कोई भी गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं फ्रॉम टाटा फेयर डील मोटर्स जम्मू से, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड उनसे जो है इसके रिगार्डिंग जान सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो, टिल देन बी कूल बी हैप्पी एंड एन्जॉय योर लाइफ। I'm not the one who's running out of time.